अय्यूब की पुस्तक अध्याय 13। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 13। सुनो, मैं यह सब कुछ अपनी आंख से देख चुका हूं और अपने कान से सुन चुका हूं और समझ भी चुका हूं। जो कुछ तुम जानते हो वह मैं भी जानता हूं। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूं। मैं तो सर्वशक्तिमान से बातें करूंगा और मेरी अभिलाषा परमेश्वर से वाद विवाद करने की है। परंतु तुम लोग झूठी बात के गढ़ने वाले हो। तुम सब के सब निकम्मे वैद्य हो। भला होता कि तुम बिल्कुल चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरा विवाद सुनो और मेरी बहस की बातों पर कान लगाओ। क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेढ़ी बातें कहोगे और उसके पक्ष में कपट से बोलोगे? क्या तुम उसका पक्षपात करोगे और ईश्वर के लिए मुकदमा चलाओगे? क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दोगे? जो तुम छिपकर पक्षपात करो तो वह निश्चय तुमको डांटेगा। क्या तुम उसके महात्म्य से भय न खाओगे? क्या उसका डर तुम्हारे मन में न समाएगा? तुम्हारे स्मरण योग्य नीतिवचन राख के समान है। तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हैं। तुमसे बात करना छोड़ो कि मैं भी कुछ कहने पाऊं। फिर मुझ पर जो चाहे वह आ पड़े। मैं क्यों अपना मांस अपने दांतों से चबाऊं और क्यों अपना प्राण हथेली पर रखूं? वह मुझे घात करेगा। मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा और यह भी मेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन उसके सामने नहीं जा सकता। चित लगाकर मेरी बात सुनो और मेरी विनती तुम्हारे कान में पड़े। देखो, मैंने अपने बहस की पूरी तैयारी की है। मैंने निश्चय किया है कि मैं निर्दोष ठहरूंगा। और कौन है जो मुझसे मुकदमा लड़ सकेगा? ऐसा कोई पाया जाए तो मैं चुप होकर प्राण छोड़ूंगा। दो ही काम मुझसे न कर, तब मैं तुझसे न छिपूंगा। अपनी ताड़ना मुझसे दूर कर ले और अपने भय से मुझे भयभीत न कर। तब तेरे बुलाने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा और तू मुझे उत्तर दे। मुझसे कितने अधर्म के काम और पाप हुए हैं, मेरे अपराध और पाप मुझे जता दे। तू किस कारण अपना मुंह फेर लेता है और मुझे अपना शत्रु गिनता है? क्या तू उड़ते हुए पत्ते को भी कपाएगा और सूखे उंडल के पीछे पड़ेगा? तू मेरे लिए कठिन दुखों की आज्ञा देता है और मेरी जवानी के अधर्म का फल मुझे भुगता देता है और मेरे पांवों को काठ में ठोकता और मेरी सारी चाल चलन देखता रहता है और मेरे पांव की चारों ओर सीमा बांध लेता है। और मैं सड़ी गली वस्तु के तुल्य हूं जो नाश हो जाती है और कीड़ा खाए कपड़े के तुल्य हूं।